Hello, darlings. It's showtime. Well, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, I'm Aman Ansari. आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? मूवी देख ली, अब आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे. क्यों गाइस, जब एग्जाम खत्म होता है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द रिजल्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट डे आर आउट. आदि पुरुष हैज टेकन एन अर्थ शैटरिंग ओपनिंग एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस. क्या हिंदी वर्जन, क्या तेलुगु वर्जन, सारे के सारे शोज जो है खचाखच भरे हुए हैं. भैया, हम जहाँ जाते हैं फिल्म देखने के लिए, मूवी मैक्स सायन में, वहां पर बहुत रेयर है कि सुबह 7:30 या 8 बजे का शो जो रहता है वो फुल होता है. मैंने आपको कल रात के एपिसोड में बताया था, 7 बजे रिलीज करना ये आसान बात नहीं. आज के टाइम पर लोग छुप छुपा के 10 बजे रिलीज करते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ऑडियंस आने वाली है. माई शो वॉज ऑलमोस्ट 60% हाउसफुल एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. अभी शाम को एवरीवेयर इट इज जस्ट वन कलर एंड दैट कलर इज ऑरेंज इन कैपिटल लेटर्स. चलेगा आज का एपिसोड, आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हाल है यहाँ पर ऑक्यूपेंसीज का. तो गाइस, हिंदी 3D से स्टार्ट करते हैं. मॉर्निंग 38%. कितनी फिल्में हैं आप और हमने यहाँ पर पिछले 6-7 सालों में कितनी फिल्में ट्रैक की है. मॉर्निंग 38% से इवेंट फिल्म्स ओपन होती है, आफ्टरनून 53 एंड आज एक नॉन हॉलिडे है. मुंबई में 758 शोज में 34% की ऑक्यूपेंसी है आफ्टरनून तक. दिल्ली एनसीआर 649 शोज में 58% है. पुणे 273 शोज में 48%. बेंगलुरु 124 शोज में 45%. आदि पुरुष हैज टेकन अ ब्लाइंडर लिया है. एंड गाइस, बात करें तेलुगु वर्जन की, हैदराबाद 405 शोज में से 404 शोज हाउसफुल है. बेंगलुरु 457 में 59% ऑक्यूपेंसी, द रियल गेम बिगिंस नाउ. विजयवाड़ा 91 हाउसफुल. वरंगल 17 हाउसफुल. गुंटूर 34 हाउसफुल. वाइजैग 106 हाउसफुल. करीमनगर 9 में से 9 हाउसफुल, और सब सभी लोगों का मन पसंदीदा महबूब नगर वापस आ चुका है. 4 में 4 शोज हाउसफुल है. इतना ही नहीं, कोलकाता में 209 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी है. अहमदाबाद एक ऐसा सेंटर जो हमने बड़ी सी बड़ी फिल्मों में ट्रैक किया, वो 12-13 छुट्टियों के दिन मैक्सिमम 20 जाता है. अहमदाबाद 177 शोज 32% ऑक्यूपेंसी. 3D वर्जन, 2D वर्जन इज माइंड ब्लोइंग. 378 शोज, मोर देन द 2D, मोर देन द 3D वर्जन. 2D वर्जन 24% ऑक्यूपेंसी. चेन्नई 33 शोज में 55% ऑक्यूपेंसी. लखनऊ 123 शोज में 67% की ऑक्यूपेंसी है. सूरत में 222 शोज में 20%. मुंबई 2D 272 शोज 24% एंड दिल्ली एनसीआर 492 2D शोज में 41%. द ऑडियंस हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट एंड द फर्स्ट डे इज गोना बी ब्रिलियंट. सो माय प्रेडिक्शन, टिल द आफ्टरनून हिंदी वर्जन 30+ करोड़ कमा रही है. इसका ग्रॉस कहीं ना कहीं 36 करोड़ होगा एंड ऑल इंडिया नेट ये फिल्म 75-80 करोड़ कमाएगी. मैंने आज सुबह के वीडियो में बोला था सिर्फ इंडिया में ग्रॉस 100 करोड़ कमाने की क्षमता रखती है एंड यहाँ पर अब वही होते हुए दिखाई दे रहा है. तो अगर ये फिल्म पहले दिन 75-80 करोड़ रुपीस कमाती है नेट, तो इसका ग्रॉस कहीं ना कहीं 90-96 करोड़ तक आ सकता है. वर्ल्ड वाइड ये फिल्म कहीं ना कहीं 125-130 करोड़ कमाने की क्षमता रखती है एंड उम्मीद की जा रही है कि कल पोस्टर कहीं ना कहीं 130+ करोड़ रुपीस का आएगा फर्स्ट डे फॉर आदि पुरुष. तेलुगु ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग 78 एंड आफ्टरनून 88% की ऑक्यूपेंसी है. जबरदस्त. सबसे एक्साइटिंग चीज जो थी फिल्म में मुझे अच्छी लगी वो था द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मंकीज. ठीक है, जो मोकैप सूट्स पहनकर उन्होंने मंकीज डिजाइन की है. क्लाइमैक्स में वो सारे के सारे पत्थर मार रहे हैं, यू नो, जाकर लंका में, लेकिन वो सीन मेरा दिल तोड़ देता है. एक छोटा सा बंदर रहता है, वो आता है, यू नो, सैफ अली खान के कैरेक्टर को मारने के लिए एंड सैफ अली खान उसमें छुरी डाल देता है. वो सीन काफी यहाँ पर, यू नो, यहाँ जाकर हिट हुआ. वो वाला किरदार, हनुमान जी के हर एक सीन यहाँ पर, जिस तरह से प्रभास एकदम घायल है और फिर बाद में हनुमान जी आके उनको लेकर जाते हैं, वो पीछे से उठ के जो बाण मारता है, वो वाला सीन. अजय अतुल डिजर्व स्पेशल मेंशन, क्योंकि उनका जो म्यूजिक है ना, वो स्टार्टिंग में गाना है, आप लोग मिस स्पॉटिफाई पे सुनो जाकर, शिवो हम, उसमें सैफ अली खान स्टार्टिंग में डर बजा रहा है, हाथ से खून निकल रहा है. तो उस कंप्लीट विजुअलाइजेशन
जो किया यहाँ पर एंड सचित और अंकित बलारा, योर बीजीएम इज माइंड नंबिंग मैन, सीरियसली बोल रहा हूँ। और यार गाइस, आदि पुरुष इज फॉर द बिग स्क्रीन, कुछ नया दिखेगा आपको देखने के लिए, कुछ नई टेक्नोलॉजीज जो है वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस लेट्स सी अब रात तक ये ऑडियंस ऑक्यूपेंसी कितनी बढ़ती है कितनी नहीं बढ़ती है। फिलहाल आदि पुरुष इज ऑल सेट टू अर्न 130 प्लस करोड़ ऑन इट्स फर्स्ट, जब सब कुछ निर्भर है वर्ल्ड वाइड यानी कि ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी। ओके गाइस, ये तो था आफ्टरनून तक का हाल, अब रात को मिलेंगे इसकी फाइनल ऑक्यूपेंसी। लेट्स सी गाइस डे नंबर वन क्या करता है आदि पुरुष इन सिनेमास, गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। एंड यस, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से एपी तेलंगाना में प्रभास के फैंस ने जो पागलपना किया है, रात से निकल गए उन लोग घर से, रात से निकल गए, पूरा ट्रैफिक जैम, पूरा सब जगह नारे लग रहे, थिएटर हाउसफुल है, खचाखच भर रहे हैं। द फैंस हैव गिवन प्रभास अ ह्यूमंगस वेलकम व्हिच ही एब्सोल्युटली डिजर्व्स।